भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे वर्ल्ड कप 2023 का 21वां मैच और धर्मशाला का ग्राउंड। इस मैच की बात आगे चलकर जब भी फ्यूचर में होगी तो इंडिया की जीत के इर्द गिर्द हमेशा शमी की वापसी, इंडिया का कमबैक, रोहित का हेनरी और बोल्ट को हिट करना, स्काई का रन आउट और कोहली का सेंचुरी के करीब आउट होना याद किया जाएगा। हालांकि सब में एक बहुत खास बात है जो कभी मिस नहीं होगी, क्योंकि वो बात अब कई क्रिकेट लवर्स के लिए कभी कभी क्रिकेट हिस्ट्री में होने वाले इंसिडेंट्स में शामिल हो गई है। वैसे जो परसों का मैच लगातार फॉलो कर रहे थे वो समझ ही गए होंगे कि हम धर्मशाला की वादियों से उठने वाली ढेर सारी फॉग के कारण मैच रुकने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर मैच रुकने की वजह बारिश होती है। इसलिए ऐसी वजहें खास जिक्र में आती हैं, वो भी तब जब इस तरह के इंसिडेंट्स कई सालों में एक बार होते हैं। मिसाल के तौर पर याद कीजिए, आखिरी बार कब कोई इंटरनेशनल मैच आपने फॉग की वजह से रुकते हुए देखा है? शायद आपका जवाब कभी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना इस तरह के और भी अजीबोगरीब रीजंस की वजह से मैच रुकने के इंसिडेंट्स को एक वीडियो में पिरोया जाए। अब ऐसे रीजंस अनगिनत हैं, इसलिए हमने सिर्फ 16 इंसिडेंट्स या कहे रीजंस का ही जिक्र यहाँ पर किया है। वैसे में कोई खास यादगार यूनिक इंसिडेंट और उसके पीछे की वजह आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं एक और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच के पारंपरिक मतलब यूनिक वजह के चलते बीच में रुक जाने से। बात 2019 की इंडिया के न्यूजीलैंड टूर की है। तब नेपियर के मैकलिन पार्क में एक मैच के दौरान इंडिया की दूसरी इनिंग में शिखर धवन ने अंपायर से धूप की आंख में चुभने के कारण बॉल ठीक से विजिबल नहीं होने की शिकायत की, जिसके बाद अंपायर शॉन हैग ने प्लेयर्स की सेफ्टी को इम्पोर्टेंस देते हुए मैच बीच में रोकने का फैसला किया, क्योंकि धूप के कारण बहुत ज्यादा मैच नहीं रुकते हैं, इसलिए वो लम्हा हिस्टोरिकल बन गए। और इस लम्हे की वजह से एक खास बात मैकलिन पार्क की भी सबकी नजर में आई। दरअसल मैकलिन पार्क की पिच की डायरेक्शन सनसेट सनराइज की तरफ है, जबकि डूबते सूरज की चुभन वाली रोशनी से बचने के लिए ही ज्यादातर 95% क्रिकेट पिचेस की डायरेक्शन नॉर्थ साउथ होती है, तो रोज मैच रुकने की वजह से फैंस को पिच की डायरेक्शन की इम्पोर्टेंस पता चल पाई थी। नेपियर की तरह 1995 में भी मैच बीच में रुकने की यूनिक वजह धूप ही थी, मगर इस बार धूप की चुभन की वजह पिच की डायरेक्शन की जगह ग्राउंड की लोकेशन थी। असल में उन दिनों मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड के नजदीक एक बड़ा ग्रीन हाउस हुआ करता था, जिसके चलते उस रोज धूप काफी हाई इंटेंसिटी के साथ रिफ्लेक्ट होकर सीधे पिच पर मौजूद प्लेयर्स की आंखों में चुभ रही थी। फिर भी कुछ देर तो प्लेयर्स ने बर्दाश्त करके खेलना जारी रखा, लेकिन जब परेशानी हद से ज्यादा बढ़ गई तो अंपायर डिकी बर्ड ने मैच रोकने का ऐतिहासिक फैसला किया, और इस तरह क्रिकेट हिस्ट्री में पहली और अभी तक आखिरी बार एक ग्रीन हाउस ने बीच में मैच रुकवा दिया था। दोस्तों हनी बीच के चलते मैच रुकना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अक्सर बैटर्स का गार्ड पहने अंपायर का सर ढके ग्राउंड पर उल्टा लेटने वाला मंजर हमने कई बार देखा है, इसलिए मधुमक्खियों का मैच रुकना कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये इंसिडेंट यूनिक तब बन गया जब 2017 में साउथ अफ्रीका में एक पिंक वनडे के दौरान श्रीलंका की इनिंग के बीच हनी बीच ने अटैक किया और प्लेयर्स को ग्राउंड पर लेटना पड़ा। हालांकि आम दिनों के हिसाब से बीच के ग्राउंड से जाने के बाद मैच शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन उस रोज नहीं हुआ क्योंकि मधुमक्खियों ने कैप्टन डी कॉक के हेलमेट पर वास्पा यानी छत्ता बना लिया था, जिसके चलते ग्राउंड स्टाफ को फायर एक्सटिंग्विशर से हनी बीच को उड़ाना पड़ा, पर उसके बाद ही मैच शुरू हो पाया। इस तरह 2017 का वो अभी तक का इकलौता ऐसा मौका है जब हनी बीच के कारण ग्राउंड पर फायर एक्सटिंग्विशर यूज हुआ हो। पिछली सदी के एंड में जब गल्फ कंट्रीज में क्रिकेट का चलन बढ़ रहा था तो मैचों का नंबर भी उस दौरान बढ़ रहा था, क्योंकि वहाँ रेत के टीलों के बीच जब आप खेल रहे हो तो रेत का तूफान आना और उससे मैच रुकना कोई बड़ा लम्हा नहीं है। हालांकि रेत हर कंट्री में मौजूद नहीं रहती, इसलिए वजह यूनिक जरूर है, लेकिन इससे भी ज्यादा यूनिक जो है हमने इस सेगमेंट के टाइटल में उसे मेंशन किया है। दरअसल साल 1998 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में शारजहां पर डेजर्ट स्टॉर्म आया। ये डेजर्ट स्टॉर्म उस समय आया जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से मिले बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही थी और सचिन एक छोर संभल कर चल रहे थे। उस दौरान जब स्टॉर्म आया तो डर था कि ये तूफान सचिन का कॉन्सेंट्रेशन भंग न कर दे, लेकिन जब स्टॉर्म रुकने के बाद मैच शुरू हुआ तो उम्मीद की उलट ही गेम चला और सचिन ने शेन वॉर्न के साथ पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को ऐसा धोया कि जीत दिलाकर ही दम लिया, और इस तरह उस ऐतिहासिक इनिंग को डेजर्ट स्टॉर्म का नाम मिला। इस तरह वो लम्हा हिस्ट्री का इकलौता मोमेंट है जब मैच रुकने की वजह ने एक पारी को अमर करने वाला नाम दिया, यानी डेजर्ट स्टॉर्म। बारिश की वजह से मैच रुकते हुए तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन बारिश की हमजोली सिर्फ बिजली की वजह से मैच रुकते हुए काफी कम बार देखा गया है, इसलिए बिजली की वजह से मैच रुकना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि ज्यादा थंडर स्टॉर्म से प्लेयर्स को नुकसान हो सकता है, इसलिए ऐसे मौकों पर अंपायर बिना एक भी सेकंड गवाए मैच रोक देते हैं। अब बिजली की वजह से इंटरप्शन की वजह से बहुत से किस्से हैं, लेकिन हम यहाँ खास 2021 एसिस टेस्ट की बात कर रहे हैं। जैडलेड में एक मैच के दौरान बिजली गिरने का डरावना नजारा कैमरे में रिकॉर्ड हुआ और उसके बाद कुछ देर के लिए मैच को रोक दिया गया था। तो दोस्तों इंटरनेशनल मैच बीच में रुकने के थे ये 5 अजीबो गरीब रीजंस। इसके अलावा भी कुछ ऐसे यूनिक रीजंस हैं जिनका रोज रोज पेश आना बहुत मुश्किल है, जैसे ग्राउंड में डॉग्स का जाना, क्योंकि बड़े मैचों के दौरान बॉम्ब स्क्वाड ग्राउंड पर अक्सर मौजूद रहती है, जिसके चलते डॉग्स भी
बाउंड्री लाइन के गर्द गर्द रहते हैं और मौका मिलते बॉल की आस में वो भी ग्राउंड पर आ जाते हैं। अब जब एनिमल्स की बात की ही है तो दो और रीजन की चर्चा करते चलते हैं। पहला तो अक्सर देखा गया है कि जब पंखियों के बीच में या ग्राउंड में आ जाने से मैच रोक दिए जाते हैं। एक बार तो ऑस्ट्रेलिया में एक मैच के दौरान एक बर्ड को बॉल लग गई थी जिस वजह से कुछ देर तक मैच रोकना पड़ा था, फिर वो बर्ड ठीक होकर दोबारा उसी बॉल की तरफ उड़ती हुई नजर आई थी। बर्ड से जुड़ा मैच रोकने का दूसरा मशहूर किस्सा काउंटी क्रिकेट का है। रिकॉर्ड के अनुसार तब एक बर्ड चलते मैच के बीच में बेस लेकर उड़ गई थी और ग्राउंड की छत पर बैठ गई थी। ग्राउंड की सिक्योरिटी ब्रीच करने के मामले में एनिमल्स के मुकाबले ह्यूमंस काफी आगे हैं। अक्सर स्ट्रीकर या क्रिकेट लवर्स के अपने चहेते क्रिकेटर से मिलने की चाहत भी मैच बीच में रुकने की वजह बनती है। इसके अलावा एक अजीबोगरीब वजह और भी सामने आई थी। तब एक रणजी ट्रॉफी में दिल्ली वर्सेज उत्तर प्रदेश के दौरान इंडिया में काली मैदान में घुस आई थी। उस वक्त मैदान में ईशांत शर्मा, गौतम गंभीर और ऋषभ पंत सरीखी क्रिकेटर थे। इन रीजंस के अलावा स्पाइडर कैम का खराब होना और फ्लड लाइट्स का बीच में बुझ जाना भी मैचों के रुकने की वजह बनती है। बाकी प्लेयर्स की तरफ से रुकने वाले इंसिडेंट्स की बात करें तो कई बार बाथरूम जाने के चलते भी मैच रुक जाता है। इन वियर्ड रीजंस में ही शामिल करें तो एक बार खाने की वजह से भी मैच रुक गया था। दरअसल बात 2017 के बांग्लादेश के साउथ अफ्रीका टूर की है। तब बांग्लादेश को खाना डिलीवर होने में 10 मिनट दिए गए थे और इसी दौरान ही पैकेट पर लिखे कुछ वर्ड्स के चलते हलाल फूड वर्ड पर भी बहस छिड़ी थी। असल में बांग्लादेशी प्लेयर्स इस संदेह में थे कि खाना हलाल है या नहीं, जिसके चलते डिले हुआ। फिर बाद में कंपनी ने खाने के बांग्लादेशी प्लेयर्स के प्रोटोकॉल्स के अंडर होने की बात मानी और इस तरह बांग्लादेश ने खाने के बाद मैच में आगे कदम बढ़ाए। क्योंकि वियर रीजन की वजह से मैच रुकने का सिलसिला काफी बड़ा है, इसलिए एक लास्ट इंसिडेंट के साथ वीडियो को यहीं रोकते हैं। वो वियर्ड और कभी कभी होने वाला इंसिडेंट 2022 के वेस्ट इंडीज के इंडिया टूर का है। तो दूसरे T20 के डिले होने का रीजन इंडियन टीम के किट बैग देरी से ग्राउंड में आने में रहा था। तो दोस्तों ये थे कुछ अजीबोगरीब रीजंस जब मैच को बीच में रुकना पड़ा। अभी वीडियो हम इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि उस दिन धर्मशाला में हुए मैच के दौरान जब फॉग आया तो उसके बाद हमारे पड़ोसियों ने हमारे बोर्ड को काफी क्रिटिसाइज किया। तो खास करके ये वीडियो जवाब है उन लोगों के लिए जो बात बात पर रोने लगते हैं और BCCI रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड की दुहाई देने लगते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।